माहौल इनका इतना टेंशन का बना हुआ है कि जो दूसरा वाला पेंटिंग स्टॉक है पहले वाले से मछली छीनेगा, जाके लड़ाई करेगा या नहीं करेगा। हाय गाइस, वेलकम टू द नेचुरल एंगल। माय नेम इज हितेश और आज मैं आपको लेके चलूँगा पोस्ट मॉनसून बर्डिंग के लिए, और हम चल के देखेंगे कि वाटर लेवल क्या है, उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार विंटर माइग्रेशन कैसा रह सकता है। ये वाइल्ड लाइफ का सफ़र हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता है और आज भी वैसा ही एक दिन है। पक्षी को हमेशा टाइम देना चाहिए। दरवाज़ा खोलते ही एकदम से उतर जाऊँगा तो भाग जाएंगे। दरवाज़ा खोल के एकदम में वेट करो। जब आप पेशेंस रखते हो और धीरे धीरे गाड़ी से नीचे उतरते हो तो आपको सब्जेक्ट के साथ एक रिलेशन बनाने का टाइम मिल जाता है। वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और जितना वो कंफर्टेबल होंगे उतने अच्छे आई लेवल तक आप जाके। यहाँ पे गॉडविड का आई लेवल वीडियो बनाने के लिए मैंने सेम टेक्निक का यूज़ किया, जिससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। आप इस तरीके से बैठ के भी बिल्कुल वाटर लेवल या आई लेवल पे फोटोज और वीडियोस ले सकते हो। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे दो पेंटिंग स्टॉक्स मिले जो कि मैं इस सीज़न में पहली बार देख रहा था, और ये दोनों अपने फीडिंग बोर्ड में थे और लाइट इनके फैदर्स पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली गिर रही थी, क्योंकि थोड़ा क्लाउडी वेदर था, कोई हार्श लाइट नहीं थी और इनका भी ब्रीडिंग प्लमेज वगैरह स्टार्ट हो रहा है, तो इनके जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। जब मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितने पेंटिंग स्टॉक्स हैं, कितने बर्ड्स हैं यहाँ पे, उतने में ही जैसे मैं आगे जा रहा था मुझे पूरा फ्लॉक दिखा पेंटिंग स्टॉक का जो कि फिशिंग कर रहा था। बीक ओपन रख के पानी में डालना और फिर इधर उधर घूमना इस उम्मीद में कि कोई मछली फंस जाएगी और ये उसको खाएंगे, ये बिहेवियर देखने में बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा था और लग रहा था कि हाँ, बर्ड्स बिहेवियर के बारे में जितना आप जानो उतना ही कम है। मैंने एक स्टॉक को मछली पकड़ते हुए भी देखा, लेकिन क्योंकि ये फ्लॉक के बीच में था वो मोमेंट इतना कैची नहीं लगा, लेकिन फिर भी अपने आप में एक ये बर्ड बिहेवियर भी ऑब्जर्व करना कि कैसे वो दूसरों से अपने फिश को बचा रहा है, ये सब होते हुए देखना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद मुझे काफ़ी एक्शन शॉट्स मिले, जैसे कि ये जिसमें एक पेंटिंग स्टॉक ने मछली पकड़ी हुई है और वो फील्ड में घूम रहा है। शायद वो एक जगह बनाना चाह रहा था, शायद वो एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ रहा था जहाँ पे वो तसल्ली से बैठ के इसको खा सके। फिर एक ग्रे हेरॉन दिखा जिसने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी हुई थी। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था लेकिन व्यू बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरे ग्रीन ग्रास के बीच में एक पानी है, पानी में ग्रे हेरॉन खड़ा है और पूरी मछली निकल रहा है। कि जो दूसरा वाला पेंटिंग स्टॉक है पहले वाले से मछली छीनेगा, जाके लड़ाई करेगा या नहीं करेगा। और देखने वाली बात यह है कि पहला वाला भी अब तक उसे पूरी तरीके से खा नहीं रहा है, वो एक्चुअली अपनी पोजीशन बना रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से खाते हैं कि हेड पहले जाए और जो फिन है, जो टेल है, वो बाद में जाए। बट लगता है सेकेंड वाले ने इरादा पूरे तरीके से छोड़ दिया है और वो दूसरी जगह मूव कर गया।
और फिर एक और पेंट स्टॉक देखा जो अपनी बीक खोल के मछली को दिखा रहा था, जैसे कि अपनी विक्ट्री का, अपने शिकार का, अपनी जीत का प्रदर्शन कर रहा हूँ। और जैसे ही कोई दूसरा पेंट स्टॉक उसके पास आता, ये प्रिटेंड करता कि ये मछली को निगलने वाला है, और दूसरा पेंट स्टॉक जैसे ही इधर उधर होता कि ठीक है ये खा लेगा, हमें नहीं मिलेगी, तो ये उस मछली को वापस बाहर निकाल देता। और काफ़ी देर तक ये ऐसा करता रहा। और एंड में दो जैकोबिन कोको एक पर्च पे शांत बैठे हुए थे, लेकिन साथ ही साथ अलर्ट भी थे। जैकोबिन कोको के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि इन्हीं को चातक पक्षी भी बोला जाता है। और बचपन में जो हम कहानी सुनते थे कि चातक पक्षी चांद का वेट करता है, उसको देख के पानी पीता है, इन्हीं पक्षियों के बारे में कहा जाता था। तो इतना कुछ और इतना एक्शन देखने के बाद उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कीप वॉचिंग।